नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी क्रिकेट और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2024 में अब यहां पर बदलों का दौर जारी है। जिस तरीके से कुछ टीमें बदला ले पा रही हैं, कुछ टीमें बदला नहीं ले पा रही हैं। बदले से मेरा मतलब है कि पहले एक मैच पूरा हो गया, अब दूसरे मैचेस खेले जा रहे हैं, यानी कि सेकंड लेग खेली जा रही है। लेकिन इसी बीच अब एक ऐसा मुकाबला आ रहा है जो इस सीजन पहली बार ही खेला जाएगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं शुक्रवार को होने वाले इस मुकाबले की। 26 अप्रैल को शाम 7:30 बजे खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच ये मुकाबला, और ये मुकाबला इस सीजन पहली बार हो रहा है। इस वीडियो में बात करेंगे पिच के बारे में कि ईडन गार्डन्स कोलकाता के में ये मुकाबला खेला जाएगा। ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा है, क्या बल्लेबाजों की मदद करेगी, गेंदबाजों की मदद करेगी, तेज गेंदबाज और स्पिनर्स कब हावी हो सकते हैं, तमाम चीजें बताएंगे। टॉस पर बात करेंगे पिच रिपोर्ट में। उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की कि जब जब आईपीएल के इतिहास में कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स की टीमें आमने सामने हुई हैं, तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है, जानेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में। और उसके बाद बात करेंगे दोनों टीमों की प्रोबेबल, यानी कि संभावित प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो तमाम चीजों पर बात करेंगे इस मैच से जुड़ी। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इंडिया टीवी क्रिकेट को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अब शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त जाया किए। सबसे पहले ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज कैसा है। ईडन गार्डन्स की इस पिच पर अच्छा बाउंस मिलता है और बॉल जो है बल्ले पर अच्छे से आती है, यानी कि बैटर्स की ये विकेट रह सकती है। और अच्छे हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले हैं इस सीजन हमें कोलकाता के इस मैदान पर। तो एक बार फिर से बैटर्स फ्रेंडली विकेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी पारी में यहाँ पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, खासतौर पर जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने करके दिखाया, स्पिनर्स से जाल बिछाया जा सकता है, दूसरी पारी में टारगेट को रोका जा सकता है। लेकिन टॉस जीतकर यहां पर फिर भी कप्तान गेंदबाजी करने का ही फैसला करेंगे, क्योंकि इतिहास इस तरीके का ही रहा है कि टॉस करो चेस करो, चेस करने वाली टीम ज्यादा जीती है, लेकिन स्पिनर्स को मदद मिलती है दूसरी पारी में, पिच रिपोर्ट यही कहती है। अब बात करते हैं इतिहास में, इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। जब जब इतिहास में कोलकाता और पंजाब की टीमें आमने सामने हुई हैं, तब तब किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। एक नजर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर। दोनों टीमों के बीच कुल मिलाकर अब तक 32 मैच खेले गए हैं, जिसमें से कोलकाता ने 21 मैच जीते हैं और पंजाब की टीम ने जीते हैं 11 मैच, यानी कि साफ तौर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा भारी है। और इस सीजन भी अगर आप देखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स शानदार परफॉर्म कर रही है, 8 में से 2 मैचेस ही गंवाए हैं, 6 मैचेस जीते हैं, जबकि पंजाब किंग्स काफी नीचे है, लगातार मुकाबले गंवाती हुई आ रही है, पिछले 3 मुकाबले हारे हैं पंजाब किंग्स की टीम ने, लेकिन फाइट बैक जरूर करना चाहेगी। अब नजर डालते हैं दोनों टीमों में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, चेंजेस क्या कुछ है। सीधे नजर डालते हैं केकेआर वर्सेस पीबीकेएस की संभावित प्लेइंग 11 पर। सबसे पहले कोलकाता की बात करें तो जेसन रॉय और रहमानुल्ला गुरबाज यहां पर ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। सुनील नारायण को शायद नीचे भेजा जा सकता है, हो सकता है सुनील नारायण अगर ओपन करें तो रहमानुल्ला गुरबाज को यहां एक चांस दिया जा सकता है। इसके अलावा वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, शार्दुल ठाकुर, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती यहां पर नजर आ सकते हैं। श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस जो था थोड़ा डिप करता हुआ जरूर नजर आया, नीतीश राणा की एंट्री हो सकती है, तो कुछ बदलावों के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम उतर सकती है। हालांकि श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा ऐसे ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। पंजाब किंग्स की बात करें, प्रभसिमरन सिंह, शिखर धवन, मैथ्यू शॉट, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, शाहरुख खान, हरप्रीत बराड़, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह और नेथन एलिस, इनको मौका दिया जा सकता है। अब शिखर धवन की भी इस मुकाबले से वापसी हो सकती है, उम्मीद है कि शिखर धवन की यहाँ पर वापसी हो जाएगी। इसके अलावा आशुतोष शर्मा भी वहां पर मौजूद है, शशांक सिंह भी वहां पर मौजूद है, तो उम्मीद यही रहेगी कि टीम जो है अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आए। तो ये तो थी दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 की बात। अब यहां पर पिच रिपोर्ट की भी बात कर लिया हमने, प्रोबेबल 11 और हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर भी नजर डाल ली है। ये सब कुछ जानने के बाद आपको क्या लगता है, कोलकाता या फिर पंजाब कौन सी टीम जीतेगी ये वाला मैच, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक इंडिया टीवी क्रिकेट को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।